देखिए, कल बुजुर्ग की बदमाशों ने हत्या कर दी गई थी और वो जो लोग हैं वो नामजद हैं और मोहल्ले के ही लोग हैं। मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई और हत्या को अंजाम दिया गया। मृतक के परिजन, उनके बेटे, उनके बहनें सब यहां बैठी हुई इस बात पर अड़े गए हैं कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करे और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने इस घटना में संज्ञान नहीं लिया पूर्व में, उन पर कार्रवाई की जाए। मेरा नाम संतोष है, मेरे पिताजी है, आज ये मेरा भाई फौज में है, पुलिस प्रशासन ने इनकी देखभाल नहीं करी तो आम पब्लिक की कैसे करेगी, ये बताएं हमें आप। हम ये चाहते कि जब ये जो देश के लिए लड़ रहा है बॉर्डर पे, उसके घर वालों की रक्षा कर सकते, तो बाकी ये आम पब्लिक कैसे करेगी? आम पब्लिक तो जो कुछ ठेली रेडी पटरी वाले जो भी, इनका कैसे होगा समाधान, ये बताएं आप। योगी की शासन में ऐसा हो रहा है और ये पुलिस वालों ने इन्हें गुंडा बनाया। हमने 4 बार रिपोर्ट लिखाई, मेरा भाई है भरत, उसको मारा, कंप्लेन करा, ये है इसके चेहरे पे एक आंख छोटी बड़ी होगी, देखो कोई कार्रवाई नहीं। कंप्लेन लिखी, रख दी और उनके पास पैसे उन्होंने जेब में रख लिए। उसके बाद मेरा बेटा हर्ष, उसको भी चौड़ी गली खरंजा कहते हैं, उस पर पकड़ के मारा पीटा और उसके साथ भी कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद भी एक भाई है, उसके पैर में कुल्हाड़ी मारी अभी 4-5 दिन पहले, उस पर भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, इसमें स्टीटर भी है, इसमें तो दोस्त तो खुलेआम मर्डर करने वाले हैं, जेल गए हैं, जेल से मर्डर करने बाद छूट के भी आए वो, और पुलिस वाले उन्होंने अभी तक उनके साथ भी कुछ नहीं करा। जो जेल में मर्डर करके आ जाते हैं, 2-2, 3-3 बार मर्डर करके और चले गए, तो उनके साथ अभी तक कार्रवाई कानून क्यों नहीं हुई, कानून ने कार्रवाई क्यों नहीं की उनके साथ में अभी तक? आप लोग पुलिस मिली हुई थी? बिल्कुल मानते साहब, थाना लाइन पार और ये रामनगर पुलिस चौकी दोनों मिले हुए हैं, आज तक हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। हमारे साथ क्या दुर्घटना इतनी होने के बावजूद भी ये आम पब्लिक के साथ क्या होगा फिर? मोहल्ले में घटना भी हुई, एक घर में से लड़की को निकाल के खींच के लेके गए, पुलिस दरोगा जी के एसओसी साहब कहते हैं, बोले नहीं उसको, उसके बाप को 1 लाख रुपया दे रहे हैं इसलिए लेके जा रहे हैं। ऐसे आप दरोगा एसओसी साहब अपनी लड़की को देंगे 2 लाख रुपये देंगे, देगा अभी बताओ, ऐसे कोई देगा अपनी लड़की को? आप बताइए, कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें भी। और आप पुलिस पर कार्रवाई भी चाहते हैं? बिल्कुल, जो इस समय में है इनके ऊपर होनी चाहिए। जो बंदा गया वो तो आएगा नहीं, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे और तो पब्लिक बचेगी। इनको सस्पेंड होना चाहिए सर। सस्पेंड तो कुछ नहीं होता, सस्पेंड आज यहाँ होंगे दूसरी जगह कर लेंगे नौकरी, यहाँ 10 ज्यादा घूस ले रहे हैं वहाँ घूस नहीं लेंगे, यही करेंगे और क्या होगा। इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, आज वो लड़की के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, प्रशासन क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, हाथ पाथ धरे बैठा रहेगा बस, वो क्या होता रहने होने दो, और इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। आज एक को मारे कल 4 को मारेंगे, एक दिन ये नौबत आएगी कि पुलिस प्रशासन के ऊपर भी हैवी हो जाएंगे ये। अभी कहते हैं ये तो तेली है, क्या करेंगे हम, यादव हमारी सरकार आ गई, हम ये करेंगे, देखो हम दिखाएंगे अब आगे कैसे चलती है सरकार। और जातिवाद सब समस्या जातिवाद पे। देखिए, पूरे मामले में पूरे परिवार के लोग तो भय में है ही हैं, लेकिन मोहल्ले के लोग भी इस पूरी घटना को लेकर क्षुब्ध हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं 4 बार हुई, 4 बार घटना होने के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। परिवार के लोगों में रोष है, पुलिसकर्मी, चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये अंत्येष्टि नहीं करेंगे।